फ्रेंड्स, आई एम पूजा फ्रॉम देहरादून इंडिया. वेलकम बैक माय चैनल माय हिप्नोटिज्म. देखिए, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर कमेंट्स. एंड आपके जो कमेंट्स हैं मुझे और ज्यादा हैप्पी बनाते हैं, तो प्लीज मुझे करते जाइए. मुझे बहुत लोगों ने विशेस दी थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. तो देखिए, ये एप्रिशिएशन तो सब लोग चाहते ही हैं. तो मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ उन लोगों को कि अगर आप सच में मुझे पसंद करते हैं, आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को थोड़ा ज्यादा शेयर किया करो. कि अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि मुझे वीडियोस के बहुत लाइक मिले, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बस मुझे इसके थ्रू अपनी बातें बोलने का मौका मिलता है, और आप लोगों की वजह से जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे खूब दिखाई देती है कि कहीं पे मेरे जैसे लोग भी हैं जो इस बात को और ज्यादा स्प्रेड करेंगे, लोगों में फैलाएंगे, और जो गलत चीजें हमारे समाज में हो रही हैं, हमारी जैसी यूथ जनरेशन उसे सही कर सकती है. क्योंकि देखिए, हम ऑब्वियसली 21st सेंचुरी में जी रहे, तो हमारे पास न्यू आइडियाज भी होते हैं, अपनी अलग सोच होती है, लेकिन उन अच्छी सोच वालों को एक दूसरे को कॉपरेट करना भी जरूरी होता है. सिर्फ एक बंदा कभी भी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता या सारी चीजों को चेंज नहीं कर सकता. तो यू शुड कॉपरेट मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि यू ऑल आर लाइकिंग मी. आप मुझे सब पसंद कर रहे हो, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है. तो देखिए, जो मेरा वीडियो है आज का, वो यही है कि अगर आपको किसी को करना है, तो प्लीज किसी को अप्रिशिएट ही करिए, क्रिटिसाइज मत करिए. देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लोगों से चिढ़ते हैं, उनको जब वो बातें करते हैं तो आपको ना खुशी नहीं होती. और मैक्सिमम लोग ही आपके रिलेटिव्स ही होते हैं जो आप लोगों से आपको पसंद नहीं करते हैं ढंग से, है ना, आप लोगों के बारे में इधर उधर आपको डिफेम करते हैं. तो मैं पहली बात तो उनको बोलना चाहूंगी, जो सच में बहुत अच्छा करते हैं, और अच्छा करने के लिए आपको किसी डर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं और आप अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं. तो आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आपके रिलेटिव हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, कुछ नहीं. आपके कर्म अच्छे काम करना है, और आप जो करना चाहते हैं उस पर ही फोकस करिए. बाकी दूसरे लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसके काम की सराहना नहीं कर सकते, तो आपको कोई राइट नहीं है कि उसको क्रिटिसाइज करें. देखिए, क्रिटिसाइज करने की एक घटना बताती हूं मैं आपको कि कितना लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, उस डिप्रेशन की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं. मतलब आपकी एक चिड़ ने उस इंसान को सुसाइड करने पे मतलब इतना ज्यादा फोर्स कर दिया कि उसने सुसाइड कर लिया. एक हमारे पड़ोस में एक भैया हुआ करते थे जो बहुत ज्यादा पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उनकी बहुत लोग तारीफ करते थे कि बड़े अच्छे हैं. लेकिन वहीं पे एक उनके पड़ोस में थी जो आंटी बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि उनके बच्चे के मार्क्स उनसे ज्यादा आ जाते थे. तो वो हर जगह मतलब उनको किसी ना किसी पॉइंट पे बहुत गलत उनके बारे में बोलती थी, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, उन पे ब्लेम भी लगा देती थी कि इसने तो ऐसा बोल दिया, वहां पे वो लड़की खड़ी थी उसको छेड़ा था. मतलब दुनिया भर की नेगेटिव बातें उनके बारे में बोलने शुरू कर दिया. वो भैया थोड़े से बहुत सीरियस टाइप थे, बहुत पढ़ाकू टाइप थे, तो सिर्फ पढ़ने में ही रहते थे. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनको जबरदस्ती, मतलब इतना बड़ा गेम प्लान कि आपकी ईर्ष्या, आपकी जो जेलस है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है लोगों की, आप इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को कि उनके लिए गेम प्लान करते हैं. उन्होंने खुद से गेम प्लान किया उनके अगेंस्ट कि बस हमारे बच्चे को मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, हमारे बच्चे से इसके ज्यादा आते हैं तो पता नहीं कितना खराब है. तो उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने जान पूछ के, मतलब अपनी बेटी को सोचिए, जान पूछ के अपनी बेटी को ये बोला कि आप, मैं मोहल्ले के सामने झगड़ा क्रिएट करूंगी, और तुम्हें बोलना है तुम्हें इसने मतलब छेड़ा था और तुम्हें लव लेटर दिया था. मतलब आप सोचिए, आप अपनी लड़की को क्या सिखा रही हैं? क्या सिर्फ इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि आपके लड़के के मार्क्स आपके पड़ोसी के बेटे से कम आ रहे हैं? अरे भाई, वो आपका क्या खा रहा है? आपका बेटा आपके लिए होगा, उनका बेटा उनके लिए होगा. एक दूसरे के खुश होने की बजाय आप एक दूसरे के से दुखी होते हैं, ये बहुत गलत बात है. देखिए, उन्होंने ऐसा ही किया, और उनकी लड़की ने भी ऐसा कर दिया कि हाँ मेरे को ऐसा किया. वो बेचारे 10 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकले, वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, वो मुंह नहीं दिखा रहे हैं. उनके पापा ने भी उन्हें मारा कि तुमने ऐसा किया, बिना सोचे अपने बेटे पे उन्होंने भी सोच लिया कि ऐसा कर दिया, क्योंकि वो उस टाइम पे टीन एज में थे. तो उनके पापा ने भी उन्हें बहुत डांटा मारा, क्योंकि उन्होंने कमिट किया सुसाइड. मतलब गाइस, इतना ज्यादा वो फील कर गए थे कि मेरी इमेज जो बनी हुई थी वो हर जगह बड़ी अच्छी बनी हुई थी, कि मैं अच्छा लड़का हूं, और अचानक से इमेज चेंज हो गई.
तो देखिए क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से वो भैया बच गए, ऐसी बात नहीं है, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बच गए, लेकिन कितना बुरा असर पड़ा, उनके पूरे 3 साल खराब हो गए गाइस, 3 साल। इतना बड़ा जेलिस आप कैसे कर सकते हैं किसी से। लेकिन देखिए इसका रिजल्ट ईश्वर सब देखते हैं। उनके बेटे की, मतलब कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन वो इतना ज्यादा बातें बनाती थी, हर किसी को सब कुछ है, उनकी लड़की ने भाग घर से भाग के शादी करी, और शादी भी ऐसे इंसान से करी जिसके साथ वो हैप्पी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कहाँ क्या हुआ, और उनकी लड़की उनसे घर छोड़ के चली गई। फिर वो क्या सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक बची है, आप बताइए मुझे। उनका लड़का एकदम शराबी बन चुका है, कुछ नहीं सुनता, वो उल्टा अपनी मम्मी को मारता है, जिन पे उन्होंने इतना ट्रस्ट किया था कि मेरा बेटा तो पता नहीं क्या है, और दूसरे को फील करे, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। आप किसी के सुख में अगर खुश होते हैं तो भगवान भी आपको दुगनी खुशी देता है, अगर हर इंसान ऐसा सोच लेना तो कितनी अच्छी बात होगी। किसी के दुख में दुखी होके उसको सिंपैथी दिखाइए, उसको उसको हौसला दीजिए, ना कि उसके हौसले को तोड़िए कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ। मैक्सिमम लोग आज के डेट में यही हो गए हैं, तो दूसरों के दुख को देख के तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन खुश को देख के खुशी नहीं होते। आपका एक एप्रिसिएशन आप किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकता है, डेट इज रियल हैप्पीनेस, डेट इज योर रियल मोटिव योर लाइफ, बट आपका मोटिव दूसरों को दुखी करना है। तो उससे ये सोचिए, परमात्मा को बहुत दुख होता है और वो आपको रिवर्स में उतना ज्यादा दुख देगा जो आप सिर्फ अपनी वजह से क्रिएट कर रहे हैं, अपने कर्मों की वजह से क्रिएट कर रहे हैं। परमात्मा ने आपकी डेस्टिनी में वो लिखा नहीं था, लेकिन आपने उस कर्म करके वो अपनी डेस्टिनी में वो खुद लाया है। फिर आप जिम्मेदारी ब्लेम नहीं कर सकते भगवान को, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एप्रिशिएशन, जितना आप दूसरों को एप्रिशिएट करेंगे उतना ज्यादा आपके साथ अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे तो आपका ही फायदा हो रहा है, किसी और का फायदा नहीं हो रहा है, आपके कर्म सुधर रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है। तो प्लीज गाइज अपनी छोटी सोच से ऊपर उठिए और प्लीज एक दूसरे को एप्रिशिएट कीजिए। अगर आपके पड़ोसी अच्छा करता है तो उसको जाके गले लगाइए, उसको जाके बोलिए बहुत बढ़िया शाबाश ऐसा करो, क्या पता वो आपके किसी दिन आपके काम आ जाए। एक दूसरे के काम आना जिंदगी है, एक दूसरे से चढ़ना जिंदगी, नेक का मोटिव मत बनाइए, क्योंकि ऐसा होगा तो सिर्फ आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और आप उस बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई और नहीं आपकी बर्बादी का जिम्मेदार, आप खुद हैं। तो ये आपके हाथ में है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे सिचुएशन को समझते हैं और कैसे इन चीजों को अपनी लाइफ में संवारते हैं। मैं तो हर किसी को अप्रिशिएट करती हूँ और मेरे को जो क्रिटिसाइज करते हैं मुझे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं अच्छी हूँ तो मेरे साथ तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो जो लोग दूसरे के क्रिटिसाइज करने से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो इस फंडे को अप्लाई कीजिए कि आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, दुनिया कितनी भी क्रिटिसाइज करती जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन भैया को भी 2-3 साल के बाद फिर से मोटिवेशन मिला और वो इस टाइम पे बहुत अच्छी जॉब पे हैं, बहुत अच्छे से इस टाइम इनफैक्ट वो फॉरेन में हैं, तो आप वो तो लाइफ अच्छे से काट रहे होंगे, दोनों बच्चों ने बर्बाद हो गए, है ना। तो गाइस आप सिर्फ गंदी चीजों से भी सीखिए, जो आपको लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं बोलिए, तो उसमें भी आप एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट कीजिए, ना कि उनके लिए गलत सोच के अपना टाइम खराब कीजिए और अपना मूड खराब कीजिए। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और ऐसे एक दूसरे को अप्रिशिएट करते जाइए, और नहीं करते हैं तो आज से कर लीजिए गाइस, कभी भी देर नहीं होती है। आपके जो अच्छे कर्म है वो कहीं भी हो सकते हैं, और वो जब भी आप अच्छा अच्छा करते जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे, कोई सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। तो होपफुली आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।